बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 1 से 9 तक क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होगा। फार्मूले जो कल मैंने लिखे थे, आपने उन्हीं को दोबारा रिवाइज कर लेना है। यहाँ पर हम फार्मूले नहीं लिखेंगे बल्कि क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉट थीटा प्लस कॉस इकन इंटू टेन थीटा माइनस साइन और इट्स इक्वल सीकेंट थीटा मनफी कॉस थीटा के लेके आना। दो साइड्स हमें दे दी है, तो इसमें से हमने एक साइड्स को लेना है और दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा ये शॉर्ट नहीं है। टेन थीटा प्लस कॉस इकेंट इंटू टेन थीटा मनफी, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और हमने इनकी जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और बाद में सिंप्लीफाई कर लेना है। कॉट की जगह पे वैल्यू क्या है? साइन थीटा। डिवाइड क्या है? कॉट की जगह पे कॉस ऊपर आता है और साइन नीचे आता है। और प्लस कॉस सेकंड की जगह पे 1/साइन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में तमाम फार्मूले लिखे भी हुए हैं। फिर टेन की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा और माइनस है साइन थीटा। देखिए, हमने यहाँ पर एक ही स्टेप है जो आपके लिए नया होगा, बाकी आपकी सिंप्लीफिकेशन नई नहीं है, बल्कि ये पीछे वाली क्लासों में बिटवीन प्लस है वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लिया जाएगा? एलसीएम। और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, इसलिए ऊपर वाला कॉस थीटा भी वैसे का वैसे और प्लस 1 भी वैसे का, इधर भी एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कॉस थीटा, ये ऊपर साइन थीटा माइनस, और इसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 1 पहले लिख लेता हूँ और कॉस बाद में, और डिवाइड क्या है? साइन थीटा। इसमें साइन, इसमें साइन है, तो मैंने साइन को क्या ले लिया? साइन कॉमन आ गया, बाकी जो बचा है वो क्या है? इधर रह जाएगा 1, साइन बाहर चला गया, इधर क्या रह गया? कॉस थीटा। और डिवाइड क्या है? कॉस थीटा। ये साइन को नीचे देखें, ये ऊपर देखें, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये 1 टाइम प्लस का है और 1 टाइम माइनस है, इसलिए लिख लिया फर्स्ट का स्केयर माइनस है सेकंड का स्केयर। और डिवाइड क्या है? कॉस थीटा। 1 मनफी कॉस का स्केयर खोला तो क्या आ जाएगा? कॉस स्केयर। और डिवाइड क्या है? कॉस थीटा। तो 1 मनफी कॉस स्केयर थीटा हमने पढ़ा था, फार्मूला था साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इट्स इक्वल टू 1। तो उसकी जगह पे हमने 1 मनफी कॉस स्केयर की जगह पे क्या पुट किया हुआ है? बल्कि आंसर को ज़रा चेक करें, आंसर में क्या है? आंसर में सीकेंड और कॉस है। तो जी, इन दोनों का कॉस हम सेपरेट कर लेते हैं। 1/ कॉस थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा ओवर 1/ कॉस किसके इक्वल है? सीकेंड का, क्योंकि हमें सीकेंड ही चाहिए। एक कॉस से चला गया, दूसरा क्या आ जाएगा? और लास्ट पे आप लोग लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ आ गया। समझ आ गई है जी? 11th क्वेश्चन है और उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन थीटा है और प्लस कॉस थीटा है और डिवाइड टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इक्वल हम लेके आएंगे कॉस के थीटा डिवाइड साइन थीटा मनफी कॉस थीटा के इक्वल लेके आना। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर वाला साइन और कॉस तो वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि वो पहले ही सिंप्लीफाई है। अलबत्ता टेन की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वो टेन स्के थीटा आ जाएगा और डिवाइड कॉस स्के थीटा आ जाएगा, क्योंकि टेन की वैल्यू साइन ओवर कॉज है। तो अगर स्केयर होगा तो जाहिर उसके साथ स्केयर आ जाएगा, और माइनस का 1 सेम रहा। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन स्केयर थीटा, तो इसका हम क्या ले ले रहे हैं? ये एलसीएम ले रहे हैं। कॉस स्केयर थीटा एलसीएम आ गया, साइन वैसे का वैसे 1, कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? कॉस स्केयर थीटा। ये बटे का बटा जो डिवाइड है, ये कहाँ पे चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कॉस के थीटा ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन स्केयर थीटा मनफी
कॉस के थीटा, फर्स्ट का स्केयर माइनस है सेकंड का स्केयर, तो क्या लिखा जाएगा, वन टाइम प्लस साइन प्लस कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन प्लस कॉस और ये साइन प्लस कॉस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचा क्या, कॉस के थीटा और डिवाइड क्या बचा, साइन थीटा मनफी कॉस, तो क्या हमें यही चाहिए, तो लास्ट में हम लिख देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, समझ आ गई है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है आगे, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 12 की और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना, तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस के थीटा और डिवाइड है साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इट्स इक्वल टू कॉस सेकंड थीटा के इक्वल लेके आएंगे। तो यहाँ पर ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमें बिटवीन प्लस है वैल्यू फ्रैक्शन में, तो क्या आ सकता है, एलसीएम कॉस के थीटा साइन साइन से मिलकर क्या आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल है, वन के, तो वन ओवर साइन किसके इक्वल होगा, जो आगे लिखा है कॉस सेकंड के, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। उम्मीद है कि समझ आई होगी, इसको हल करें फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 के बाद 13, 14 और ये 15 है, तो इसमें 13 को ज़रा चेक कर लें कि हमारे पास उसमें दिया सेकंड माइनस कॉस थीटा इट्स इक्वल टू टेन थीटा और साइन थीटा, तो लेंगे क्या हम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, सेकंड थीटा और माइनस कॉस थीटा, सेकंड की वैल्यू तो आपको पता ही होगी वन ओवर कॉस थीटा, इसलिए उसकी जगह पे वन ओवर कॉस थीटा पुट कर दिया, और आगे क्या है माइनस का कॉस थीटा, बिटवीन मनफी है इसलिए क्या ले लिया जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, वन वैसे क्या वैसे और कॉस कॉस से मिलकर क्या आ जाएगा कॉस, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, वन मनफी कॉस कॉस से मिलकर कॉस स्केयर थीटा और डिवाइड क्या है कॉस थीटा, तो हमें पता है कि वन ओवर कॉस के थीटा किसके इक्वल है, साइन स्केयर थीटा और डिवाइड क्या है, अब हम इस साइन को क्या कर लेंगे, अब साइन को हमने टू टाइम लिख लिया, तो जिसकी वजह से साइन ओवर कॉस एक रहा और एक अलहदा साइन हो गया, क्योंकि प्रूफ के मुताबिक हमारे पास साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है जी, टेन ही चाहिए था और आगे वाला साइन ही चाहिए था, और ये आ चुका है इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास हैंस प्रूफ डेट लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, समझ आ गई। 14 है उसमें लिखा है साइन थीटा ओवर कॉस साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस प्लस साइन थीटा इट्स इक्वल टू सेकंड थीटा, इसमें से हम लेते हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड साइन स्केयर थीटा और डिवाइड कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, तो आपको पता है बिटवीन प्लस और वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो क्या लिया जाता है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ये इधर कॉस लिखा होगा मेरे ख्याल में, ये मिस्टेक है, ये साइन नहीं है, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, तो कॉस कॉस से मिलकर क्या आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा, और अभी आप लोगों ने ये फार्मूला पहले ही पढ़ा था, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल था, वन नीचे कॉस है, तो आपको पता होगा वन ओवर कॉस किसके इक्वल है, तो यही चीज़ चाहिए थी इसलिए लास्ट में लिखते हैं प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, समझ आ गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, और 15 का हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है टेन थीटा और प्लस, और हमने इसको लेके आना सेकंड थीटा और साथ कॉस सेकंड थीटा के इक्वल, टेन की वैल्यू पुट कर दे साइन थीटा ओवर प्लस कॉट की वैल्यू पुट कर दे कॉस थीटा ओवर बिटवीन प्लस वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लिया जाएगा, एलसीएम क्या आ गया कॉस थीटा इनटू इधर से कॉस चला गया साइन साइन से मिलकर साइन स्केयर और कॉस कॉस से मिलकर, तो आपको पता साइन स्केयर और कॉस स्केयर किसके इक्वल है, वन ओवर कॉस थीटा
अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। वन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है? सीकंड के। और वन ओवर साइन किसके होता है? कॉस सीकंड के। इसलिए हमने साथ ही लिख लिया कि वन ओवर कॉस सीकंड थीटा और वन ओवर साइन कॉस सीकंड थीटा। और लास्ट में लिख दें कि हमारे पास ये साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल सीकंड और प्लस कॉस सीकंड के इक्वल लेके आना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस सीकंड प्लस साइन थीटा। टेन की वैल्यू क्या है? साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। कॉट की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा डिवाइड कॉस की वैल्यू क्या है? आगे सेम रहा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है जी, इसको अभी हमने हल किया है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। बिटवीन प्लस वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लिया जाएगा? एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा। साइन साइन से मिलकर साइन स्क्वायर और कॉस कॉस से मिलकर आगे क्या आ गया? कॉस थीटा प्लस, हाँ जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? वन के। नीचे वाली वैल्यू कॉस थीटा और साइन थीटा वैसे कि इनटू कॉस थीटा प्लस है। अभी अंदर इसके साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। कॉस थीटा और साइन थीटा एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से और एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से। देखिए इसमें कोई चीज़ कैंसिल होती है तो वो कर दे। कॉस कॉस से कैंसिल, बाकी क्या बचा? वन ओवर साइन, साइन साइन से कैंसिल, बाकी क्या बचा? वन ओवर कॉस। अब हमारे पास वन ओवर साइन किसके इक्वल है जी? कॉस सीकंड के। वन ओवर कॉस किसके इक्वल है? सीकंड के। तो हमारे पास वही है, उनको अगर तरतीब देनी हो तो दे सकते हैं। पहले हम सीकंड लिख लेते हैं और बाद में हम कॉस सीकंड लिख लेते हैं। ले जी, हमारे पास ये आ चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।